नमस्कार जी टीवी में स्वागत। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस को आज बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। घटना घटते घटते पुलिस ने सफलता हासिल कर घटना को दिया सही रूप। वहीं दर बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस ने ग्रेटर नोएडा की दादरी पुल से एक सूचना मिली कि कुछ बदमाश लोग एक कार से किसी को अपहरण कर फरार हो रहे हैं, जिसकी सूचना पर घेराबंदी करते हुए पुलिसमय फोर्स और कोतवाल को लेकर इंस्पेक्टर पीछा पर करने लगे। वही कार की पीछा करते हुए घेराबंदी कर लिया, जैसा कार खड़ा करके बदमाशों ने छोड़कर जंगल की रास्ते में फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंच पुलिस ने दो सोना व्यापारियों को बाल बाल बचाया तथा उन्होंने बताया कि पहले तो इनको पैसा देने का वादा था, पैसा देने गए तो इन्होंने बंदूक और चाकू की नोक पर कई नगद ज्वेलरी मंगाए और ज्वेलरी देने के बाद उन्होंने अपनी कार में बैठा लिया जबरदस्ती और गंतव्य स्थान पर ले जाकर अपहरण कर फिरौती मांगने की इनकी प्रयास चल रही थी, जिस पर पुलिस ने सूचना पाकर तत्काल मौके से इनको बचा लिया। पुलिस की इतनी बड़ी कामयाबी को लेकर काफी सोना व्यापारियों में खुशी की लहर। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। हुआ क्या था आपके साथ एक्चुअल? भाजी हमारा एक मिलने वाला था, नाम मैं पुलिस को बता चुका हूँ। उसने हमें उससे पेमेंट लेनी थी, उसने हमें अपने वेयर हाउस पर बुलाया और बुला के उसके पास सात तीन आदमी और थे, उन्होंने हमारे पिस्टल लगा दी। उसके बाद हमारे साथ जबरदस्त मारपीट करी, हम बेहोश हो गए। जब होश में आया उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध दिए और हमें उठा के गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। गाड़ी में की डिग्गी में डालने के बाद वो हमें इधर उधर घुमाते रहे, फिर एक खेत में ले जाके गाड़ी रोकी, हमसे फोन करवाया गया। मेरी ज्वेलरी की दुकान है, वहां से उसने अपना लड़का भेजा और मैंने अपनी दुकान पर फोन करा। पिस्टल उन्होंने मेरी कनपट्टी भी लगा रखी थी कि इसको सामान दे देना वरना अभी गोली मार रहा हूँ। मैंने अपने लड़के से कह दी कि भाई सामान दे दिया, उसने उनको ज्वेलरी का एक बैग दिया। यही सेम घटना भाई के साथ हुई, हम दोनों साथ थे। इनका जावड़ा टूटा हुआ है इसलिए बोल नहीं सकते। लगभग कितने रुपए का उस ज्वेलरी होगी जो उन लोगों ने फोन करके मंगाई? ये मीडिया में ओपन नहीं करना चाहूंगा। तो ये जो बदमाश है फिर पुलिस ने कैसे आपको पकड़ा? उसके बाद ये हमें डिग्गी में लेके फिर वहां से चले। उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया गया इनका भी। थोड़ी देर बाद उसके पास उसके नौकर का फोन आया, ये लड़के का फोन आया कि भाई सामान नहीं मिला। तो मैं से बोला मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम सामान नहीं दे रहे। मैंने कहा भाई मेरा लड़का जब तक मेरे से बात नहीं कर लेगा सामान कैसे दे देगा। उसने फिर मेरा फोन स्विच ऑन करा, मेरे कान पे लगाया फोन। मैंने उस लड़के से कहा बेटा कोई बात नहीं, पेमेंट RTGS हो जाएगी, तू सामान दे दे उसको। उसने सामान दे दिया। उसके बाद वो डिग्गी में ही हमें लेके एक्सप्रेस हाईवे पे KMP पे चढ़ गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने डिग्गी में से निकाल के हमें गाड़ी के बीच में बैठा लिया, हमारे पैर खोल दिए, हाथ खोल दिए, जिससे पुलिस का ध्यान ना जाए। उसके बाद अच्छा ये बताइए दादरी टोल पे आके उन्होंने क्या कहते हैं, जब गाड़ी टोल पे रोकी तो मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया धक्का मुक्की करके और बचाओ बचाओ चिल्लाया। उसके बाद पुलिस वहां से उनके पीछे लग गई और पुलिस के पीछे लगने से वो हमें सड़क पे फेंक के चले गए। अच्छा ये बताइए कि कितने घंटे अपहरणकर्ता आपको लेकर घूमते रहे, कहां कहां लेकर घूमे, लगभग कितने घंटे पहले अपहरण किया गया? तावड़ू से लेके चले हैं हमें वेयर हाउस से, हरियाणा में घूमते रहे लगभग 1.5 से 2 घंटे। उसके बाद वहां से उन्होंने KMP एक्सप्रेस हाईवे पकड़ा, तावड़ू से पलवल होते हुए फिर वो बड़ा हाईवे पकड़ा, फिर यहाँ ले आया। क्या उन लोगों में से किसी को पहचानते भी हो? एक हमारा मिलने वाला था, उसे नहीं, हमें पेमेंट लेने के लिए बुलाया था। बिल्कुल परिचित हैं, घर तक से परिचित हैं, हर तरह से परिचित हैं। सर एक ज्वेलर का किडनैप हरियाणा से हुआ था जिसका आज पुलिस बुलंदशहर पुलिस ने उसे बरामद किया, सर क्या पूरा मामला? देखिए आज शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास टोल प्लाजा दादरी से सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि एक इटियाज ब्लैक कलर की गाड़ी है जो DL नंबर की है, उससे किसी व्यक्ति को उसमें दबोच कर ले जा रहे हैं। इस सूचना पर हम लोग तत्काल सक्रिय हो गए और पूरे जनपद को सूचना फ्लैश कराई गई। विशेष रूप से NH-91 पर बैरियर डलवा के चेकिंग तुरंत शुरू कराई गई और इस गाड़ी के पीछे हमारी PC-2 मोबाइल और इंस्पेक्टर सिकंदराबाद
ये लोग लग गए और इधर से एएसपी जो कि सीओ सिटी हैं, मैं स्वयं, एसएसपी साहब, सब लोग इधर से निकले। तो इन लोगों ने पुलिस का दबाव बढ़ता देख के और बिलसूरी जो कि हाईवे पर पड़ता है वहाँ पर अपनी गाड़ी में से उतर के दो लोग भाग गए छोड़ के, जिसमें से दो व्यक्ति बरामद हुए, जिनमें से एक का नाम सिद्धार्थ जैन है, दूसरे का प्रवीण जैन है। इन लोगों ने बताया कि ताउडू जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ के निवासी गौरव सोनी नाम के व्यक्ति के से इनका पैसे का लेन देन का मामला चल रहा था, जिसमें कि 20 लाख रुपए गौरव सोनी को सिद्धार्थ जैन को देना था। आज गौरव ने फोन करके सिद्धार्थ को एक वेयर हाउस पर बुलाया क्या कि यहाँ से पैसे ले जाओ। वहाँ पहुँचने पर चार लोगों ने इसके साथ मारपीट की और दबोच के कार में डाल दिया और ये दो लोग लेके निकले वहाँ से। ये सूचना पर इनकी बरामदगी की गई, कार हमको मिल गई है और सोहना पुलिस को जो कि हरियाणा में है उनको सूचना दे दी गई है और लोग आ रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।